Machu Key. थॉटलेस है, वर्डलेस है, परमात्मा के साथ का क्या मीनिंग है? इस संगम युग में परमात्मा की दृष्टि में बहुत क्लियरली देखती है कि बाबा चाहता है आत्मा अपनी चेंजलेस स्मृति को बहुत गहराई से ग्रहण कर ले, देखे इस सत्य को, ग्रास्प कर सके। क्योंकि जब तक ये स्मृति बहुत क्लियरली महसूस नहीं होती कि चेंजलेस हूं और मेरे अंदर कांस्टेंट चेंज चल रहा है, मेंटल स्टेट्स का चेंज, फिजिकल स्टेट का चेंज, कांस्टेंट चेंज, तो आत्मा उस चेंज के तूफान में से ऐसे लगता है कि जैसे मैं उसमें फंसी हुई हूं, नींद में। और बाबा कहते हैं तूफान तो आएंगे, तूफान आते ही है अनुभवी बनाने के लिए। उनका आना जरूरी भी है, सबसे पहले तो तूफान को देखने की समझ सिर्फ चेंजलेस आत्मा को हो सकती है। और फिर तूफान को तोहफा समझना,
आत्मा और परमात्मा जब कंबाइंड हैं, बहुत क्लियरली महसूस होता है। अभी भी बैठे हम यहां हैं, मन में कुछ ना कुछ सूक्ष्म तूफान तो चलता ही है। कभी कोई चेहरा, कभी कोई बात सामने आएगी जाएगी। आप कौन हैं? मैं कौन हूं? जो कि अवेयर है, इन सूक्ष्म से सूक्ष्म तूफानों को देखने के लिए। दबे पैरों से आते हैं, चुपके से आते हैं, और जो आत्मा परमात्मा के साथ अपनी चेंजलेस स्मृति में है, उसे पता है अनुभवी बनाने के लिए आए हैं। इस हद तक मुझे आत्मा को निश्चय है, ग्राउंडेड हूं अपने सत्य स्वरूप में। योगी आत्मा की एक निशानी है, तूफान दिखेंगे, हल्के से हल्का, छुप नहीं सकता आत्मा से। नहीं दिखेंगे तो धोखा खाएगी। पता ही नहीं चलेगा। शब्द तूफान सुनने में तो ऐसा लगता है कि बहुत शोर के साथ आता है, एक्चुअल में आत्मा जो बाबा के साथ है, से हर संकल्प जो पर्सन आइडेंटिटी का है, दिखता है तूफान ही है, चाहे वो कितना भी सुंदर वेश में आए। या भयानक वेश में आए, है तो तूफान। ज्ञानी रूप लेकर आए रावण की तरह,
अश्रुपनखा की तरह बहुत सुंदर वेश, और उसके लिए ज्ञान की आंख और योग की शक्ति। दोनों की जरूरत है। तो बाबा का आना है ही इसीलिए आत्मा को आत्माभिमानी स्थिति जो कि निर्लेप है वो याद दिलाना, और फिर उस स्थिति से साक्षी अवस्था में बाबा फिर माया मन की सफाई करता है। प्यूरिफिकेशन ऑफ माइंड, सुप्रीम सर्जन करता है। आत्मा को सिर्फ साक्षी रहना है सत्य स्वरूप में, बिना पहचान बनाए हर संकल्प को देखना है साक्षी होकर, देखकर अनदेखा बाबा की तरफ सब समर्पण। एंगेज नहीं होना है, एंगेज अपने ट्रूथ में रहना है। इंटरेस्ट अपने सत्य में, पर बिना माया को रेजिस्ट किए। उसकी तरफ न रेजिस्टेंस है न इंटरेस्ट है। कोई भी संकल्प आ जाए, डोंट केयर, जस्ट डोंट केयर। अपना नहीं है, छोड़ दे, निरसंकल्प स्थिति में रहे। बाबा को एब्जॉर्ब करने दे। पर देखना जरूरी है, समझना जरूरी है, फिर छोड़ दे, हाथ नहीं लगाए उसके बाद। मैं अवेयरनेस हूं, मेरे अंदर ये स्क्रिप्ट चलती है, आती है जाती है, आती है जाती है, अपीयर्स एंड डिसअपीयर्स। ये तो नेचर है मुझे एग्जिस्टेंस का। नेगेटिव पॉजिटिव सब रिकॉर्डेड है आत्मा के अंदर।
परमात्मा इन सबसे परे है। अपनी जो परे वाली स्थिति है, चेंजलेस स्थिति, थॉटलेस स्थिति, बस उसी स्मृति में रहना। नष्टो मोह स्मृति स्वरूप है। जो स्मृति स्वरूप है, जो सबसे ज्यादा मोह मन और उसके संकल्पों से है, वो नष्ट हो जाता है। एक सेल्फ इमेज से है, वो मोह नष्ट हो जाता है। आज की मुरली में कुछ बहुत बहुत सुंदर पॉइंट्स हैं, वो भी पढ़ेगी ये। बाबा ने बताया है, आज की आत्मा पवित्र बनने से हर चीज पवित्र बन जाती है। आत्मा के पवित्र होने से हर चीज पवित्र हो जाती है।